नमस्कार, दर्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद के घर जब ईडी की रेड होती है तो वो सीधे सीधे बीजेपी पे आरोप लगाते नजर आ रही है कि ये सारी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से करवाई जा रही है। वजह ये है कि उनको ऑफर दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि वो हजारीबाग लोकसभा सीट और चतरा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवारी घोषित करें, लेकिन उन्होंने साफ मनाही कर दी। उसके बाद इनके घर ईडी की रेड होती है, तो ऐसे में आज राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि अंबा प्रसाद उन नामों को उजागर करे जिन्होंने उनको ये ऑफर दिया था। तो क्या कुछ कह रहे हैं आदित्य साहू, आइए सुनते हैं। जिनको समर्थन या जिनके समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है, कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, इनके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी आज जेल के अंदर बंद है और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद है। और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद इस भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हैं कि जितना लूट करना है लूट लो झारखंड को, हम तुम्हारे समर्थन में खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है। अब जब कांग्रेस के माननीय विधायक अंबा प्रसाद जी की यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो अनर्गल बयानबाजी करने का काम करती है। सोते जाते राज के सत्ताधारी दलों को भाजपा का डर सता रहा है। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधान सचिव की कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, सभी समाज, सभी वर्ग को समर्पित सरकार रहेगी और मैं इस देश में न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसी मूल मंत्र के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है, तेजी के साथ इस देश से भ्रष्टाचार में कमी आई है। 2014 से पहले देखा हुआ कि यही कांग्रेस की सरकार केंद्र में चल रही थी। आए दिन जिस प्रकार से घपले और घोटाले के उजागर आप एक चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को देखने को मिलता था, पर देश की जनता गुस्से में आक्रोश में थी। और अब जब भ्रष्टाचार के आरोप पर माननीय विधायक अंबा प्रसाद जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो बोलते हैं कि भाजपा करवा रही है, इन लोगों को पेट में दर्द होगा, बुखार होगा तो भाजपा बोलेंगे भाजपा करवा रही है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि को अपना चाल, चरित्र और चेहरा जरूर देखना चाहिए। विगत 15 वर्षों से बड़का गांव में इनके परिवार के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किस प्रकार से वहां के लोगों के द्वारा वहां आवाज उठाई जा रही है, किस प्रकार से वहां पर कोयले की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है। इन्हीं के लोग बालू जब अवैध कारोबार करते हैं, जब थाना में ट्रैक्टर को, बालू से लदा ट्रैक्टर को थाने में पुलिस जब्त करती है तो गुंडे की एक सीमा होती है, इनके गुर्गे, इनके गुंडे थाने से उस बालू भरा ट्रक को जबरदस्ती छुड़ा करके ले जाने का काम करते हैं। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप सभी लोगों ने देखा कि वीडियो के माध्यम से जैसे कैसे पलामी पत्रापुत्र के कई और अंसारी और जमील अंसारी अपने दर्द का बयान कर रहे हैं, उनकी जमीन किस प्रकार से लूटी गई है। आज उसकी जमीन को लूटने का, गरीब व्यक्ति का लूटने, जमीन का लूटने का अधिकार किसने आपको दिया है? क्या उस क्षेत्र की जनता ने आपको जमीन लूटने के लिए वोट देने का काम किया है? दबने का आलम यह है कि वहां के पुलिस और प्रशासन भी इनके आगे नतमस्तक पड़े बने रहते हैं। दिन दहाड़े कोयले की लूट होती है, माफिया राज वहां चलता है, लेकिन उनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। एनटीपीसी में कोयला, बालू और जमीन की किस प्रकार से गोरख धंधा हो रहा है सब लोग जानते हैं, प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में, चैनलों में चलता है। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों ने मुझे चतरा और
हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दबाव बना है, तो इनके स्पष्ट करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए आखिर कौन वो लोग हैं, उसका नाम और चेहरा उजागर करने का काम किया। किसने कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आप चतरा हजारीबाग से होने का काम करें? यह स्पष्ट झारखंड की जनता जानना चाहती है, बड़का गांव की जनता जानना चाहती है कि आप पर किसने इस प्रकार का दबाव बनाने का काम किया है, उसका नाम आप सामने लाने का काम करें, उस व्यक्ति को सामने मीडिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। अमित साहू क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस हमेशा बालू माफिया, कोयला माफिया और जमीन पे कब्जा करने वालों पे समर्थन करते रहती है, ऐसे में अंबा प्रसाद के घर जब ईडी की रेड हो रही है तो वो भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सच है या फिर झूठ। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।